हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? जीत रहे हो ना? जीतना ही चाहिए। तो स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल में जिसका नाम है नो इफ नो कैन ओनली रोहित द हिटमैन। सो गाइस, अभी हम लोग कवर करेंगे जो स्पेनिश लीग है, एसीबी का आज का मैच होने वाला है। एफसी बार्सिलोना वर्सेस बर्गस के बीच में ये मैच खेला जाएगा। लास्ट मैच के स्टैट्स, ये वाले मैच के लिए प्रोबेबल लाइनअप, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी जाएंगी। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल को आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो गाइस चैनल को आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है? और राइट साइड में नीचे जो आपको ये बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस ज़रूर करना है, क्योंकि जो कुछ वीडियोज़ में अपलोड करूँगा उसमें आपको स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, लाइनअप रिलेटेड प्लस इंजरी रिलेटेड ये सारे अपडेट मेरे यूट्यूब के वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो पाने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को आपको प्रेस जरूर करना है ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिले जैसे वीडियोज़ में अपलोड करूँगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, अगर आप टेलीग्राम यूज़र हो, टेलीग्राम यूज़ करते हो तो टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है रोहित द हिटमैन, ठीक है? क्योंकि लाइनअप में जो कुछ चेंजेस होते हैं लास्ट मिनट में या किसी प्लेयर की इंजरी रिपोर्ट आती है तो उसके रिलेटेड सारे अपडेट मेरे टेलीग्राम चैनल रोहित द हिटमैन पे मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आइए बात करें सीधा लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बार्सिलोना की जो लाइनअप थी लास्ट मैच के लिए। तो स्टार्टिंग लाइनअप में थे कैलाथेस, एन हेज, एन लेप्रोविटोला, एन मिरोटिच और एस सैनली। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो देख सकते हो 69-65 से लास्ट मैच विन की थी बार्सिलोना की टीम। एन कैलाथेस 5 points, 5 rebounds, 3 assists, 25 minutes में। डांटे एक्जुम 6 points, 4 rebounds, 3 assists, 21 minutes में। ब्रेंडन डेविस 13 points, 4 rebounds, 2 assists, 20 minutes में। एन हेज 5 points, 1 rebound, 20 minutes। एन मिरोटिच 7 points, 6 rebounds, 20 minutes। के कुरिश 10 points, 2 rebounds, 3 assists, 18 minutes में। रोनाल्ड स्मिथ 4 rebounds, 18 minutes। एंड लेप्रोविटोला 10 points, 2 assists, 16 minutes में। एर जोकोबेटिस 8 points, 1 rebound, 1 assist, 16 minutes में। अप्रिंस 3 points, 2 rebound, 15 minutes में। एस सैनली 2 points, 1 rebound, 13 minutes में, ठीक है? एस मार्टिनेस सिर्फ 57 seconds खेला था कोर्ट में, लेकिन उसने अपने टीम के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया था। अभी बात करेंगे सैन पेब्लो बर्गोस के लाइनअप के बारे में। तो देख सकते हो स्टार्टिंग लाइनअप में थे बेनाइट, एडी, एनोको, रेनफ्रो और पी टारिल, ठीक है? परफॉर्मेंस देख सकते हो 73-71 से क्लोज मैच हारी है लास्ट का। परफॉर्मेंस देखेंगे बेनाइट 10 points, 1 rebound, 1 assist, 38 minutes में। एनोको 8 points, 9 rebound, 2 assist, 31 minutes में। पी तारिक 13 points, 5 rebound, 31 minutes में। जे एडी 12 points, 4 rebound, 2 assist, 28 minutes। एलेक्स रेनफ्रो 5 points, 2 rebound, 5 assist, 27 minutes में। राबासेडा 5 points, 6 rebound, 1 assist, 22 minutes में। ए क्लीमंस 8 points, 3 rebound, 3 assist, 22 minutes में। एम सालाश 5 points, 3 rebounds, 13 minutes में। ए निकोलिस 5 points, 1 rebound, 1 assist, 8 minutes में। लास्ट में थे एम गार्सिया, जिसने 1 minute में अपने टीम के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया था। तो दोनों टीमों के स्टैट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सीधा हम लोग बात करेंगे टीम के प्रोबेबल कॉम्बिनेशन की तरफ। तो देख सकते हो पॉइंट गार्ड सेक्शन से यहाँ से मैंने पिक किया है टीफ फिलिप को, ठीक है? लेप्रोविटोला, जोकोबेटिस यहाँ से बढ़िया पिक रहेंगे आपके लिए, अगर आप अपने टीम में रखना चाहते हो तो रख सकते हो, ठीक है? उसके बाद में ग्रैंड लीग में आपको यहाँ से ट्राई करना है एक क्लेमंस, ठीक है? बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करना। शूटिंग गार्ड से एन कैरेथस और डी एक्जुम को मैंने यहाँ से पिक किया है। जेरल एडी को यहाँ से मैंने पिक किया है। एन हेस को अगर आप चाहो तो अपने टीम में रख सकते हो, जो आपको स्टार्ट करते हुए दिखेगा। और यहाँ से अनदर ऑप्शन अच्छा रहेगा आपके लिए, वो है काइल कुरिच। पीएफ से ऐसे मैंने पिक किया गाइस एन मिरोटिच को और ब्रेंडन डेविस को, ठीक है? इसके बाद में यहाँ से कोई अच्छा ऑप्शन मेरे लिए दिख नहीं रहा है। सेंटर से अगर आप लोग बात करेंगे तो एल एनो को मैंने को पिक किया है मैंने, और एस सैनली को पिक किया है, ठीक है? अगर आप चाहो तो यहाँ पे एस सैनली के प्लेस पे एस को भी पिक कर सकते हो, जो आपको स्टार्ट करते हुए दिखेंगे, या फिर के कुरिश को भी आप अपने टीम में रख सकते हो, ठीक है? यहाँ से अगर एवरिंस स्टार्ट करते तो एवरिंस को भी आप अपने टीम में रख सकते हो, या फिर वन अदर ऑप्शन है आपके लिए आर जोकोबेटिस, ठीक है? तो आप किसी एक के साथ जाना, प्लेयर के लिए मैं लूँगा एस सैनली को, ठीक है? टीम प्रीव्यू की अगर बात करेंगे तो एसपी मैंने किया है कैलाथेस को और पीपी मैंने किया है निकोलस मिरोटिच को। ग्रैंड लीग में अगर आपको किसी को ट्राई करना है तो डांटे एक्जुम को ज़रूर ट्राई करना है। ग्रैंड लीग में आप कुछ टीम्स में इसको ज़रूर ट्राई करना। सो ये होने वाला है मेरा प्रोबेबल कॉम्बिनेशन बिफोर द लाइनअप। ये मेरी गाइस फाइनल टीम नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई लाइनअप आया नहीं है। लाइनअप के बाद कुछ चेंजेस होते हैं या किसी प्लेयर की इंजरी रिपोर्ट आती है तो उसके रिलेटेड सारे अपडेट मेरे टेलीग्राम चैनल रोहित द हिटमैन पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच, डू योर बेस्ट एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।